बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे जी बार ट्रांसफ़र टेस्ट के हवाले से कि बैरिस्टर कैसे बना जा सकता है वाइल बीइंग इन पाकिस्तान। तो देखें, पाकिस्तान में रहते हुए बैरिस्टर बना जा सकता है, उसका जो रूट है उसे कहते हैं बार ट्रांसफ़र टेस्ट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट इन डिटेल्स, और इस छोटे से व्लॉग के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले कि इसका पाथ वे टू बिकमिंग अ बैरिस्टर क्या है। उसके बाद आप बीटीटी के थ्रू बैरिस्टर किस तरह बन सकते हैं, इसके अंदर कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है आपकी, और उसके बाद आपको इसके अंदर एग्जेम्पशंस क्या मिल सकती हैं, क्या बीटीटी इज़ एज़ गुड एज़ बार ट्रेनिंग कोर्स या बार प्रैक्टिशनर कोर्स। तो ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है जो कि हमेशा होती है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और प्लीज़ क्वेश्चंस पूछा करें, आपके क्वेश्चन से हमें काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस किस्म के टॉपिक्स चाहिए। देखें, इस बात का तो हमें पता है सबको कि बारट लॉ करने के लिए यू नीड टू गो टू द यूके और यू नीड टू अप्लाई टू वन ऑफ द प्रोवाइडर्स, देयर आर 8 प्रोवाइडर्स। और उसके बाद ये होता है कि अगर आपने यूके वाला लॉ किया हुआ है तो देन इट इज़ गोइंग टू टेक यू लाइक यू आर गोइंग टू गेट एन एडमिशन स्ट्रेट अवे विद एनी प्रोवाइडर, और आप बार ट्रेनिंग कोर्स करेंगे और उसके बाद आपका लिंकन्स इन के सेशंस होते हैं या किसी भी इनको जिसे आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या बार ट्रांसफ़र टेस्ट भी इसके इक्विवेलेंट है, और ये बार ट्रांसफ़र टेस्ट क्यों बनाया गया? देखें, बार ट्रांसफ़र टेस्ट जो है ना, ये इट इज़ बेसिकली फॉर दोज लॉयर्स हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री एंड नाउ दे वांट टू बिकम बैरिस्टर्स इन द यूके सो दैट दे कैन इन्हांस देयर प्रैक्टिस इन द यूके एज वेल। देखें, बैरिस्टर बनने के बड़े फ़वाद हैं कि लाइक यू कैन गो टू द यूके एंड यू कैन प्रैक्टिस योर लॉ देयर। डेफिनेटली देयर आर some prerequisite conditions also in order to start your practice in the UK। तो उसमें ये हो जाता है कि आसानी के लिए कि आप like you are a qualified lawyer, you are already practicing in Pakistan, तो prerequisites उसके ये होंगे कि आपके पास license to practice in any court of Pakistan होगा, आपकी कुछ practice होगी, तो उसके बाद आप apply कर सकते हैं bar transfer test में। अब आप जब अप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम एग्जेम्पशंस आल्सो, क्योंकि अगर आपने इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर एग्जेम्पशन देन देयर इजंट एनी पॉइंट डूइंग पीटीटी। एग्जेम्पशंस आपको क्या मिल सकती हैं? एग्जेम्पशंस आपको मिल सकती हैं आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सच एज एडवोकेसी, कॉन्फ्रेंसिंग, ओपिनियन राइटिंग और ड्राफ्टिंग। इस तरह के किसी सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस और योर स्टैंडिंग कि आपको कितनी एग्जेम्पशन कौन कौन से कोर्सेज़ के अंदर मिल सकती है। तो उसके बाद हो ये जाता है जी कि देखें, व्हेन यू गो टू द यूके टू डू योर बार एट लॉ इट इंक्लूड मैनी एक्सपेंडिचर्स सच एज यू विल बी पेइंग योर ट्यूशन फ़ी, सेकेंडली यू विल बी स्टेइंग देयर, यू विल बी बेयरिंग योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, then you will have to travel to the London to attend sessions of any of the inns, तो उसकी भी आपकी travelling cost भी उसमें आ जाती है। तो ये सारी cost जब मिला ली जाती है it becomes a very heavy cost। तो BTT के अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाता है you don't have to pay these costs, like you are in Pakistan, you are studying here और you are only taking tuition, तो उस tuition की cost आपको देनी पड़ेगी और BTT बाय इटसेल्फ की कॉस्ट तकरीबन हाफ से भी कम है जितनी कि आपकी बार ट्रेनिंग कोर्स की कॉस्ट है। उसके बाद डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू द यूके सो इट मीन दैट यू आर कटिंग आउट दैट कॉस्ट एज वेल। अगर आपने पाकिस्तानी लॉ किया है एंड यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तानी कोर्स यू डोंट हैव टू डू GDL ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ, क्योंकि ये भी इसकी भी डेफिनेटली एक साल अगर आप वो करते हैं तो इसकी एक अलग से कॉस्ट भी है और मेहनत अलग, तो आपने ये सारी कॉस्ट तो उसकी कट कर दी। लेकिन उसके बाद बात ये आ जाती है कि ये BTT इज़ एज़ गुड एज़ बार ट्रेनिंग कोर्स या बार प्रैक्टिशनर कोर्स। तो देखें, आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना तो उसके बाद यू आर गोइंग टू गेट अ टाइटल ऑफ बैरिस्टर as the others do, लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि यूके में पढ़ना और पाकिस्तान में पढ़ना इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। I would say that when you go to the UK, you are in a different environment. You are in an environment where you are going to, like, you know, speak bar training course, eat bar training course. Whatever you do is actually revolving around that bar training course. Or you will be studying from the best of the best. Like you will be studying from those people who have actually written these books that you are studying for the course. It doesn't mean कि पाकिस्तान में जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं they are not competent, they are also competent. लेकिन एक बात होती है ना कि डेफिनेटली ये भी तो कहीं से पढ़ के ही आए हैं ना, तो ये जिनसे पढ़ के आए हैं वो मतलब उन्हीं से ही अगर आप पढ़ते हैं तो it would be a difference. फिर उसके बाद I would say if you have both these options और आपके मतलब if you have good circumstances and you can avail any of these two options, then I would suggest you to go for bar training course because आप अगर bar training course नहीं करते तो honestly speaking के you will be missing out on a biggest experience of your life. जो experiences आपको वहाँ पे हासिल होते हैं वो experiences आपको पाकिस्तान में रहते हुए हासिल नहीं हो सकते। बार करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइटल बैरिस्टर लगाना नहीं होता। बार करने का मकसद ये है कि देखें इसके साथ आपके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। वेन एवर यू अपेयर बिफोर अ कोर्ट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू आर अ बैरिस्टर एंड यू आर गोइंग टू कम अप विद अ वेरी गुड लॉजिक एंड योर ड्राफ्टिंग वुड बी अमेजिंग, योर लाइक यू नो वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट बी मेकिंग सम सेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपके पास सारी चीज़ें उसी सूरत में आ सकती हैं कि when you actually go to some place and you consume your time in order to get that certain thing. तो अब दोबारा हमारे टॉपिक के अंदर बेसिकली ये कंपैरिजन करना नहीं है कि हमने BTT को कंपेयर करना है उसके साथ बार ट्रेनिंग कोर्स के साथ। हम ये कहते हैं BTT इज़ एज़ गुड एज़ बार ट्रेनिंग कोर्स बिकॉज आपने सब्जेक्ट्स वही पढ़ने हैं। आप अगर वो पास कर लेते हैं तो यू विल बी अ क्वालिफाइड बैरिस्टर फ्रॉम एनी ऑफ द इंस फ्रॉम अमंगस्ट द फोर इंस। फोर इंस जो है ना जी वो एक तो आपका लिंकन इन हो गया विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, फिर उसके बाद आपका ग्रेज इन हो गया, फिर उसके बाद आपका इनर टेम्पल हो गया, फिर आपका मिडल टेम्पल हो गया। तो किसी से भी आप बारट लॉ मतलब किसी के साथ भी रजिस्टर हो जाते हैं और उधर से आपको कॉल आ जाती है तो आप बैरिस्टर बन जाते हैं। डेफिनेटली BTT इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। आपने करना सिर्फ उसके लिए ये है कि यू विल हैव टू फाइंड अ गुड टीचर इन पाकिस्तान। देयर आर सो मैनी गुड टीचर्स, लाइक बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप उनमें से किसी के साथ डेफिनेटली ट्यूशन लेंगे, वो आपको थोरली गाइड करेंगे और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट थ्रू इट। और दूसरी बात आपको एक जहन में ये रखनी पड़ेगी कि देखें ये जो सा बारट लॉ है ना जी ये इजी कोर्स नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि इसके अंदर पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो एज़ फार एज़ आई नो बारट लॉ या बार ट्रेनिंग कोर्स इसकी पासिंग रेशियो इज़ नॉट मोर देन 33-34%। तो अगर हम BTT की बात कर लेते हैं तो इसकी रेशो और कम है। तो इन चीज़ों को कंसिडर अल्टीमेटली आपने ख़ुद करना है क्योंकि डिसीजन आपका है, लेकिन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज ऑप्शंस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके पास बहुत जल्दी एक नया व्लॉग लेके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी।